वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे साइप्रस प्लांट का थोड़ा नर्सरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं जब गया था टिस्टा वैली पे तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा और पूछा, उन लोगों से बात किया कि कैसे करते हैं। तो सफ़र शुरू जो होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र कैसे करते हैं, जस्ट बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूँगा ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो और करें। किसी भी प्लांट को उगाने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी चाहिए होगी। मिट्टी ऑलरेडी चूज किया हूँ और अभी मैं यहाँ पे मिट्टी को ले जा रहा हूँ। एक मिट्टी को रखने के लिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको सेट किया हूँ। इतना काफी नहीं होगा, और भी चाहिए। इस तरह का अगर पत्थर मिले तो आप साइड कर दो। उसके बाद इतना काफी है, आई थिंक 20 to 30, यानी कि 70% कंपोस्ट के साथ 30% मिट्टी, मेरे ख्याल से। आई थिंक तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं सीख भी रहा हूँ और आपको सिखा भी। सबसे पहले बता दूं कि हम लोग एक विलेज पे कैसे करते हैं ऑर्गेनिक तरीका से, वो हम लोग देख रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, मैंने मिट्टी लिया और उसके साथ साथ बर्नी कंपोस्ट के साथ बहुत अच्छे खासे मिक्सअप कर दिया हूँ। और इस पे जितना भी रहता है आपका पत्थर वगैरह हो या फिर अननेसेसरी जो भी चीज़ हो जो बर्नी कंपोस्ट से मिलता हो या फिर मिट्टी से आया हो, हम लोग उसको साइड करके इस तरह से प्लास्टिक पर हम लोग इस कंपोस्ट को भर देते हैं। और इसके बाद है ये एंजेरिया का प्लांट है जो हम लोगों ने लिए थे, ये मदर प्लांट है। और उसको बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके हम लोग उस नए वाला प्लास्टिक पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि दिखने पे अच्छे हो। और ये बाद पे जा कर के मदर प्लांट बनने वाला है। चारवटा भेराइटी छ, रातो, सेतो, पिंक। एंड गाइस, दिस आर द कैमेलियास मदर प्लांट। अब ये जो चार वेराइटी आप देख रहे हो, ये बात पे जाकर के मदर प्लांट ही बनने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसको भी हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनिक तरीका से एक विलेज पे। ये देखिए, पहले कुछ इस तरह से दिखता था पुराना प्लांट्स, तो अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे से सब करके ये वाला हो गया नया प्लांट्स कैमेलिया का। सो दिस इज नाइस एंड सो फाइनली दिस इज द साइप्रस प्लांट। और इस तरह से इसको करते आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बर्नी कंपोस्ट को प्लास्टिक बैग पे इस तरह से भर देते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा मोटा मोटी। और ये जो कंपोस्ट है, मिट्टी और जितना भी आपका प्लांट से लिया हुआ जो भी ये कंपोस्ट है, ये कंपोस्ट पे कोई भी यूरिया यूज़ नहीं है, प्योर है 100%। देयर इज़ नो केमिकल यूजेस। तो विलेज पे इस तरह से हम लोग करते हैं। तो उसके बाद ये जो छोटे प्लांट है उसको थोड़ा निचोड़ के निकालना होता है ताकि उसका जो रूट हो, रूट पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप आराम से फिट कर सकते हो। और जो फिट करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो पोजीशन है वो सही से बैठे ताकि बाद में जा कर के प्लांट का डायरेक्शन इधर उधर ना हो। और ये हो गया अपना फाइनल प्रोसेस कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोगों ने मोटा मोटी 100-150 पीसेस तैयार किए हैं साइप्रस प्लांट। द वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस एवरी प्लांट। और फाइनली जाकर के कुछ इस तरह से दिखता है। और बारी आता है कटिंग का, और हम लोग इस तरह से इसको कटिंग करते हैं, उसका शेप देते हैं, किस हिसाब से रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड। और फाइनली जाकर के ये रहा हम लोगों का मास्टर एंड मास्टरपीसेस। ये आपका टाइम लगता है मोटा मोटी 1 साल जितना, और 1 साल के बाद ये है आपका फाइनल साइप्रस प्लान।